हेलो एंड वेलकम गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। तो स्वागत करता हूं आपको एक नए व्लॉग में, और यहां से आज कुछ स्वागत हो रही है हमारी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैं भी बैठा हूं और नितिन हमारा बैठा हुआ है। नितिन भाई हमारा बैठा हुआ है। हेलो। और फिर जो है आज हम लोग जा रहे हैं पार्क में घूमने के लिए, तो वहाँ फिर आपको हम घुमाते हैं, ठीक है। और आज बहुत सारे काम हैं उसे करने हैं, और हमारे आईटी मैनेजर साहब प्रेशर दे रहे हैं, इस तरह दबा के जो प्रेशर होता है ना, वो वाला प्रेशर दे रहे हैं, और उस काम को अब करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम आज मिलता है, और हम लोग क्या क्या निपटाते हैं और क्या क्या रह जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट तो है नहीं हम लोग सारे काम को निपटा दें, लेकिन कोशिश करते हैं कि सारा का सारा काम निमट जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो है यहाँ पे पार्क में आया हुआ था और लंच करके जो है यहाँ पे बैठा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरियाली आपको पूरी दिखेगी इस पार्क में, और डेली का डेली यहाँ भी काम भी चलता रहता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और हमारे नितिन भाऊ जो हैं बारात से आए हैं, और बारात में बेचारा इतना जाग गया है कि उसे जो है वो सो करके अपना नींद पूरा करना पड़ रहा है। यहाँ के आप नज़ारे देखें तो किस तरह से हैं, और मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको ये पीछे का दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कुछ सामान रखे जाते हैं, और ये आप साइड से देख सकते हैं, ये लाइन में सारे आपके अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप नीचे देखें इसके जड़ में, तो यहाँ पे जो खुदाई हुई है, मतलब कि इसको जो निकाई की गई है और घास सारे निकाल दिए हैं आप नीचे के देखेंगे तो इस तरह से जो है यहाँ पे डेली मेंटेनेंस का काम चलते रहता है। ये बड़ा सा पेड़ जो है नीम का है, और उधर की ओर से जो है वो शेड हमारा स्टार्ट होता है। और आप जब इधर से आप इस तरफ देखेंगे तो ये शेड हमारा जो है गेट का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और गेट से निकलते ही जो है आपका मेट्रो का जो स्टेशन है वो बन रहा है यहाँ पे 5 नंबर के जगह पे। ये हमारी कंपनी का भाई साहब चाय बनता है यहाँ पे। सही है, क्या बात है। कितना लीटर मतलब बन जाता होगा टोटल? ये इसमें जो है ये कितना लीटर का पूरा पतीला? 30 का 30 का, लेकिन 20 लीटर, 18-19, 18-19 लीटर मतलब डेली बनाया जाता है, और वो भी एक टाइम में चलता तो दो टाइम है। बड़ा मेहनत का काम है साहब। ये अभी तो चलो गर्मी है, ठंडी है, गर्मी तो यहाँ ठंडी पे है, ठंडी है, गर्मी में हालत खराब है। टेम्परेचर हमेशा 50 रहता है, बाप रे, बाहर 45-44 रहेगा तो यहाँ 50 रहेगा, क्योंकि हीटर भी बंद है। हाँ अच्छा, बिजली के हीटर से काम नहीं होता ना, गैस से हो जाता है। अच्छा, ये सिलेंडर कंपनी वाले दे देते होंगे। है भाई साहब एक फूल का पेड़, ये देख सकते हैं जैसा कि है, ऐसा दिखता है यहाँ का मामला। चाय के बगल का ये रूम है, और इधर जो है आगे जा करके पार्किंग है हमारा,
जहाँ पे बाइक लगाते हैं हम, और ये सब यहाँ पे साजो सामान रखे हुए हैं उस तरह का। यहाँ पे एरिया है अगर आप देखें तो, उधर की साइड हम फाउंड्री की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ कवाड़ रखे हुए हैं कंपनी के ही, और इधर हमारा नितिन भाई सो रहा है। तो आइए चलते हैं, नितिन भाई को उठाते हैं सीट पे चलने के लिए। नितिन चले, ये घर ना है कंपनी कंपनी में भाई साहब मैनेज करना पड़ता। चले चलो, सुहा दिए तुमने, सुहा दिए मजा आ गया, मजा आ गया। चल बता पब्लिक को कैसा मजा आया, तेरे साइन बन गए भाई साहब पूरे इधर इधर साइन बन गया, छोड़ेंगे मुंह धोऊंगा ना जाएगा। तुमने उसमें जगह क्यों दी नींद आ रही, बढ़िया नींद आ रही है, काम आगे 3 बजे मीटिंग होगी, 2:30 बजे को। चलो बता कितना देर सो गया। मैं सोयो 1 घंटा होने जा रहा हूँ, 10 मिनट रहेगी, 1 घंटा होगा। कितना बोल पा रहा मुझे, मौसम बढ़िया हो रहा। तो भाई साहब आज तो जो एकदम जो है मामला कुछ केड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि आज जो है अभी मीटिंग चलने वाली 3 बजे से, हमें हम लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद होना पड़ेगा है, कॉन्फ्रेंस रूम में जाके मौजूद होना पड़ता है। और ये मैंने इसका सहारा लिया है क्योंकि कभी कभी धूप आ रही है, कभी कभी जा रही है, तो मैं इससे निकल आता हूँ। और हमारा नितिन भाई जो है पूरा 1/2 घंटे से ऊपर सोया भाई साहब, क्योंकि मैंने बाकी के भी क्लिक क्लिक शूट करे उधर जा करके, ये तो भाई साहब 1/2 घंटा से ऊपर सो गया। बारात का पूरा मजा लिया आज यहाँ पे इसने, मतलब बारात वाला मजा यहाँ नहीं लिया, वो तो कहीं और से ले करके और यहाँ पे आके उसका वसूल कर रहा है सोने का कुल मिला के तो अब हम लोग जो है अपने शेड की ओर चलते हैं और सीट पे चलना पड़ेगा। अब भाई साहब इस तरह से काम चलता है पूरा का पूरा, ये देख सकते हैं भाई साहब ये सेटअप होते हैं यहाँ पे मशीनों का, जो कि टेस्टिंग होती है पंप की। ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, शायद मैंने पहले भी दिखाया था ना दिखा? तो ट्रांसफार्मर में जो है हाँ तो सारे करंट भेजते हैं ना, करंट मैनेजमेंट। इस टंकी में पानी भरते हैं जब टेस्टिंग करते हैं ना पंप, समझ रहा, तो इस टंकी में पानी भरते हैं और पानी भर करके फिर वापस चला जाता है, इधर से वापस अंदर चला जाता है, फिर वापस इसी में आता है। मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कई बार तो यहाँ पर पूरा भर भी गया। और नमस्कार, बढ़िया साहब बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सेटिंग कुछ है, यहाँ पे देख लो मोटर के बचाव के लिए यहाँ पे ये वाला सिस्टम लगाया गया। ये नीचे मोटर का सेटिंग है, देख रहा, तो मोटर के ऊपर पानी ना जाए इसके लिए उन्होंने वो हाँ पूरा का पूरा लोहा डाल रखा है। तो तुम्हारा अगर प्लास्टिक का कुछ उड़ भी जाता है, लेकिन लोहा के उड़ने का नहीं। खराब पंप, ये मैं बताऊं क्या है इस पे जो है ना, तुम लंबे वाले देख रहे होगे वहां पे लंबे वाले, तो इस पे रख देते हैं और ये वाला जो है ये घूमता है, ठीक है, तो इसी में वो बनाते हैं तुम्हारा क्वाइल। क्वाइल देखा तुमने वो बनाते हुए, तुम्हारा इसका यार
ये भी जो है ये घूमने वाली मशीन है। ये शरीर हल्का कर देगा, शरीर हल्का ना करने को शरीर काय को हल्का करेगा ये। इसमें भी जो है वो तार की रोलिंग होती है। अरे कॉपर की वायर ना आती मोटी मोटी, यहाँ पे बहुत मोटी यूज होती है कॉपर की वायर, तो उसके रोलिंग बनाने के लिए ये वाले हैं। जब पूरा घुमा देगा घूमता रह जाएगा, ये घूमने वाला है। ये सारे उसी के मशीन है जो कॉयल जो बनाते हैं ना उसी के हैं, बस थोड़ा थोड़े डिफरेंस है। ये भी वही है, बाकी भी रखे हुए यही है। तो इस तरह से यहाँ पे जब भाई साहब काम होता है तो बहुत बढ़िया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जो है व्लॉग का एक ही व्लॉग का ये सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड डे शूट कर रहा था, क्योंकि पहले दिन में वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं बताता हूँ जैसा कि आपको, कि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमारा काम जो है आधा अधूरा रह जाता है, क्योंकि हमें जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती है हमारे काम को, जो हमारा टेक्निकल काम है उसको। और उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं जिसको कि हमें फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। अगर हम उस जगह वीडियो को शूट करते हैं तो हमारी जो है वो नौकरी खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए जो है हमें काफ़ी सावधानी से और जहाँ मौका मिलता है हमें वहीं पर चौका लगाया जाता है, अदरवाइज हम नहीं लगा सकते। तो मेरा मेन मुद्दा ये कहने का था कि आज भी जो है यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है। कल मैंने एक लैपटॉप बनवा करके यहाँ पे लाया था और वो हमने जो है इसे दिया, यहाँ पे दे रखा है और उसे लोग चेक कर रहे हैं, मैं भी चेक कर रहा था। और एक काम आया था यहाँ पे नेटवर्किंग का, है ना भाई, नेटवर्किंग का काम आया था हमारा जो है ये नितिन भाई वीडियो बना रहा है अभी। तो यहाँ पे काम ऐसा आया था जी कि यहाँ पे जो ब्राउजर था वो डिफ़ॉल्ट हो गया था क्रोम में, यानी कि जो इनका सॉफ्टवेयर चलता है वो चलता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और इनका डिफ़ॉल्ट ब्राउजर जो है किसी गलती की वजह से हो गया होगा, ये क्रोम में चला गया था। तो यूजर होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता कि क्या हमें करना है, किसे डिफ़ॉल्ट बनाना है या किसे सेकेंड ऑप्शन पर रखना है। तो ये वाला काम उन्होंने निपटा दिया यहाँ पर, और निपटा करके ये काम कम्प्लीट हो चुका है। थोड़ी देर में ही लंच होने वाला है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे काफ़ी पार्क पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि थैंक यू सो मच, वीडियो में आप बने रहें। कभी कभी ये होता है कि थोड़ी सी लेट से वीडियो आते हैं, है ना, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।